आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक को प्रबल अम्ल के साथ गर्म करने पर 2.3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले 2.3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन का सूत्र देखते हैं क्या होगा। CH3C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH3 CH3। तो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, तो दो नंबर पर भी मेथिल है, तीन नंबर पर भी मेथिल है, तो 2.3 डाइमेथिल और 2 ब्यूटीन, ये सूत्र होना चाहिए। ठीक है, हमसे ये यौगिक पूछा जा रहा है कि किससे बनेगा, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला वाला हमारा यौगिक दिया गया है CH, इसके साथ दो दो मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है, CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इसको हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है, यानी डबल बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बोधनायन बनेगा। देखिए कैसे कार्बोधनायन बनेगा, CH3 CH CH3 CH CH3, और यहाँ पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा और आ जाएगा ये CH2। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा, और अम्ल कहने का मतलब H+ आयन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया है, तो यहाँ पर तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये CH जो बना कार्बोधनायन, अब देखते हैं इसका रीअरेंजमेंट, यानी कि विस्थापन हो सकता है, मतलब रीअरेंजमेंट हो सकता है। अब रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे, तो देखिए ये वाला जो मिथाइल समूह है, ये वाला मिथाइल समूह यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि प्लस चार्ज, ये प्लस यहाँ से इसको हाइड्रोजन को, यहाँ से हाइड्रोजन का विस्थापन करेंगे। हाइड्रोजन का विस्थापन करने से क्या होगा कि जो कार्बोधनायन 2 डिग्री कार्बन है वो 3 डिग्री कार्बन पर आ जाएगा, और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, ज्यादा अस्थायी होता है। तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे, पुनर्विन्यास कर देंगे, पुनर्विन्यास यानी कि रीअरेंजमेंट करा देंगे। तो जब हम रीअरेंजमेंट कराएंगे तो जो कार्बोधनायन 2 डिग्री पे था अब वो 3 डिग्री पे आ जाएगा। देखिए CH3 CH CH3, और इस कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा, और यहाँ पर CH3 और ये CH2 और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेगा, तो फाइनली क्या बन गया, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C और यहाँ पर CH3 CH2 CH3 बनेगा। तो ये उत्पाद तो हो ही नहीं सकता, ये क्या हो गया, 2.3 डाइमेथिल 2 पेंटीन बन गया, और हमको बनाना था 2 ब्यूटीन, तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं दूसरे वाले से, तो सी पे 3-3 मिथाइल समूह है, दूसरा देखते हैं कि एक कार्बन पर 3-3 मिथाइल समूह है, CH3 CH3 CH3। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये दिया गया था, देख लेते हैं ये ना, हाँ यही है। अब इस पे क्या करेंगे, जैसे ही अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे यानी कि H+ आयन के उपस्थिति में जब अभिक्रिया होता है तो क्या हो जाएगा, फिर से ये डबल बॉन्ड टूट करके कार्बोधनायन बनेगा, CH3 CH3 CH3, और इस कार्बन पर धन आवेश आ जाएगा और यहाँ पर CH3। तो देखिए इसके बगल वाला जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन है, और 4 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन से ज्यादा अस्थायी होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथाइल का, क्योंकि हाइड्रोजन तो है नहीं, तो मिथाइल का पुनर्विन्यास होगा, पुनर्विन्यास हो जाएगा इस पर, हाइड्रोजन का नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन तो है ही नहीं कार्बन पर, तो पुनर्विन्यास होगा, लेकिन किसका पुनर्विन्यास होगा, मिथाइल समूह का पुनर्विन्यास होगा। तो यहाँ से उतर के ये यहाँ चला जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा, CH3 C, और यहाँ पर ऊपर में CH3 जुड़ा हुआ है, और ये वाला CH3 कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन पर आ जाएगा CH3 और CH3, और यहाँ पर धन आवेश। अब देखिए ये धन आवेश है, तो ये वाला हाइड्रोजन को जैसे ही हम हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर निकलते ही उस कार्बन पर माइनस आ जाएगा, और प्लस माइनस मिल करके डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा, तो क्या बनेगा, CH CH3, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH3 CH3, इसको क्या बोलेंगे, 2.3 डाइमेथिल 2 ब्यूटीन। तो ये वाला हमारा हो गया। यहाँ पर देखेंगे जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा,
देखिए यहाँ पर तो ये खुद ही 3 डिग्री कार्बोधनायन बनेगा, और 3 डिग्री कार्बोधनायन का पुनर्विन्यास होता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे ही कार्बोधनायन यहाँ पर बनेगा तो इसका भी पुनर्विन्यास संभव नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के बगल में भी 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है। तो पुनर्विन्यास बगल वाले कार्बन से होता है, उसके ज्यादा बगल में नहीं जाते हैं, तो इसका भी पुनर्विन्यास नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।